इस वक्त जो कल आपने वीडियो देखी होगी, एक मुद्दा गहराया हुआ है कि फुटबॉल एसोसिएशन का राजनीतिकरण के आरोप लगे हैं। कल एक पक्ष ने, जो फेडरेशन उनका दावा है कि 10 साल से चला रहे हैं, वहाँ नॉन फुटबॉलर जो हैं, जो फुटबॉल की समझ नहीं रखते हुए, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था कि वो लोग फेडरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं जिससे खिलाड़ियों का नुकसान होगा। इस वक्त दूसरे पक्ष की जानने के लिए पहुँचे हैं भाई, उनसे भी बात कराएंगे। उससे पहले जितने भी साथी जुड़े भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको बता दें कि जिला पार्षद राहुल मुंडाल इस वक्त हमारे साथ हैं, जो फुटबॉल एसोसिएशन भिवाणी के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, और बंटी चांग जो कि वो भी जिला पार्षद हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस यूनियन के, और तमाम जो लोग हैं, कुछ फुटबॉल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानेंगे कि भाई आखिर पूरा मामला क्या है। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ, कल आपने एक वीडियो देखी होगी कि आप आरोप ये लगे हैं कि आप फुटबॉल से जुड़े हुए नहीं हैं और फुटबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हैं फेडरेशन में इस प्रकार की कब्जे की लड़ाई में। देखिए बुरा साहब, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है जी, लेकिन फुटबॉल से जुड़ा होने का मतलब वो लोग किस बात को मानते हैं? अगर वो लोग नेशनल या कोई उससे ऊपर कोई खेले हुए को मानते हों तो जिस आदमी ने आरोप लगाया वो भी नेशनल नहीं खेला हुआ जी। अगर आप फुटबॉल प्रेमी को या फिर जो अपने गांव में ग्राउंड पे फुटबॉल खेला हुआ है उसको जुड़ा हुआ मानते हो तो वो मैं हूँ। रही बात आरोप लगाने की, हमने कल जो ट्रायल ली जी, उसका हमने कल बाकायदा दैनिक भास्कर अखबार में भी आया, दो तीन लोकल और अखबार हैं भिवाणी के उनमें भी आया, क्योंकि ये भिवाणी जिले की ट्रायल थी जी। और हमने ग्रुपों में और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को बताया, लेकिन उन्होंने बच्चों के पास बाकायदा फ़ोन करने का काम किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपके चैनल को भी देने का काम करूँगा और ओपनली सुनाने का भी काम करूँगा। उन्होंने बच्चों को बोला कि वहाँ पे मत जाओ, आप फिर खेल नहीं सकते सीनियर स्टेट में, जो लीग कम सीनियर स्टेट होने वाली है। तो उन्होंने बच्चों को भ्रमित करके केवल उनका भविष्य खराब करने का काम किया है। रही बात प्रधान और सेक्रेटरी की जी, माननीय सूरजपाल लम्बू जी ने जी, मेरे को भिवाणी फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है जी। भाई बंटी चांग जो कि जिला पार्षद है मेरे साथ, इनको सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी है। मोक्ष कक्कड़ जी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, इनको भिवाणी जिले के ट्रेजरर की जो खजांची होता है उसकी जिम्मेवारी दी है। हम सबका एक ही टारगेट है कि फुटबॉल को भिवाणी जिले में कैसे आगे बढ़ाया जाए, भिवाणी खेलों के बारे में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। बात तो ठीक है, आपकी बात मानिए कि आप चाहते हैं भाई, आपकी नीयत है, लेकिन उनका भी दावा हमारी भी नीयत ऐसी है, लेकिन उन्होंने पहले ट्रायल ले चुके थे, आपने कोई कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास किया? 20 बच्चे वो सिलेक्ट करके वहाँ पे कैंप चला रहे हैं उन्होंने बताया, और इधर आपने 20 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, तो इसमें तो जो क्रीम है वो तो छट जाएगी ना, ये तो फुटबॉल का नुकसान ही हुआ भिवाणी। भाई साहब, वो भिवाणी फुटबॉल का नुकसान की, आपका प्रश्न है कि भिवाणी फुटबॉल का फायदे की वो बात कर रहे हैं। पहली बात तो फायदे की बताऊं, पिछले 8-9 साल का आप इतिहास उठा के देखें, बाकायदा रिकॉर्ड होता है जी। और पिछले साल का बताऊं मैं, लास्ट ईयर का जी, लास्ट ईयर 20 खिलाड़ी चुने जाते हैं जी, उसमें से 9 खिलाड़ी उन्होंने बाहर के खिलाने का काम किया, 5 खिलाड़ी उचाना के खिलाए, जिनका मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। भिवाणी के फायदे की बात तभी होगी जब जटुलवारी, अलकपुरा, ये अपने प्रेमनगर, गोरीपुर, अजीतपुर, मुंडाड़, धनाना, प्रॉपर भिवाणी, चांग, जिन गांवों में फुटबॉल है, बड़सी, भिवानी, मड़ी वाली, उन गांवों के बच्चे भिवाणी की टीम में खेलने और अपना परचम लहराएं। उन्होंने हमेशा बाहर के खिलाड़ियों को खिलाने का काम किया, अब की बार वो मलाई नहीं खा सकते या अपने नंबर नहीं बना सकते, बाहर के खिलाड़ियों को नहीं खिला सकते, पिछली बार जो उन्होंने खिलाए इसलिए वो फड़फड़ा रहे। अब आपने जो खिलाड़ी चुने हैं वो कहाँ कहाँ के? सभी भिवाणी जिले के हैं, सबकी दो दो आईडी ले रखी हैं। 20 खिलाड़ी हमने चुने, कल ट्रायल ली, उसमें 50 से ज़्यादा बच्चे आए और 20 खिलाड़ी हमने अच्छी टीम चुनने का काम किया, सभी भिवाणी जिले के हैं। रही बात कोऑर्डिनेशन की, आपने एक बात की थी, मैं आपकी कोई बात छोड़ूंगा नहीं, कोऑर्डिनेशन मैंने उनसे करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात घुमा फिर घुमा के बात करने का काम किया राजनीतिक रूप से, लेकिन ये खेल है ना कि राजनीति। अगर वो हमारा सहयोग करते तो आज भी हम उनको कहते हैं आओ सहयोग करो, क्योंकि हम फुटबॉल को चाहते हैं, फुटबॉल का भला करना चाहते हैं, उनके साथ हमारा कोई वैर विरोध नहीं है। आज से एक महीना पहले मुझे ये भी नहीं पता था पवन फोगाट कौन है, रणवीर भाई साहब का जरूर नाम सुना हुआ था कि वो बड़ा नाम है, पुलिस में भी हैं, अब उनको जानने लगे हैं मेरी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो यही है। और एक बात बताऊं मैं सभी दर्शक साथियों को, सूरजपाल लम्बू जी के बारे में जिन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया है, भाई बंटी चांग और मोक्ष को कक्कड़ और हमारी पूरी टीम को जिम्मेवारी दी है, कोच साहब खड़े हैं गजानंद जी अलकपुरा में,
पाँच साल से ज़्यादा इनको हो गए, नेपाल जी आर्मी से रिटायर हैं, ये भी आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊं केवल एक ही बात कहूँगा मुझी के बारे में, अब की बार 27 साल बाद, 27 साल बहुत बड़ा अरसा होता है भाई साहब, हमारी उम्र है ज़्यादातर की, कुछ अभी तो खिलाड़ी 27 से कम है, 27 साल बाद हरियाणा की लड़कियाँ पूरे देश में सेकेंड आई हैं पिछले महीने जी। तो आज तक नहीं आई, उसका कारण था इस तरह के लोग भिवानी की टीम में तो उचाणा से लेके आते हैं, हरियाणा वालों को दादरा नगर हवेली से खिलाने का काम करते हैं, जो फर्स्ट आता था। पहली बार अम्मू जी ने हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा से खिलाया भ्रष्टाचार को रोक कर, और हरियाणा की हमारी बेटियों ने सेकंड आने का काम किया, और भविष्य में हम चाहते हैं फुटबॉल जिस तरह अन्य खेलों में हरियाणा का नाम है, पूरे विश्व में हरियाणा और भिवानी की पहचान बनाए। बाकी कोच साहब बताएंगे। बंटी भाई आप बताओ कि किस प्रकार से फुटबॉल को आगे लेकर के जाएंगे, क्या विजन है, क्योंकि सचिव की मुख्य भूमिका होती है। जैसा कि आपने पहले पूछा था कि उन्होंने बोला आरोप भी लगाया कि हमें फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, फुटबॉल की नहीं, पहली बात तो ये बता दूं फुटबॉल हमारे खून में है जी। मेरे फादर साहब फुटबॉल के हरियाणा के कैप्टन रह चुके जी, और मैं भी बचपन से मेरे पापा जी मेरे को खिलाते थे, तो मैं भी 8-10 साल में खेल रहा हूँ फुटबॉल जी। ठीक है, अच्छी तरह नॉलेज भी है सारी चीज़ें, ठीक है। और जो आज अम्मू जी जैसे वो तो राहुल भाई ने बता दिया, बताओ आगे कैसे लेके जाओगे फुटबॉल भिवानी का भला, तो कैसे होगा, हमने ना कल क्या विजन है आपका? ठीक है, हमने हमारा विजन यही है कि भिवानी की जो टीम है जी, ठीक है, भिवानी की जो फुटबॉल की टीम है उसके अंदर जैसे कि बाहर के लोग खेलते हैं, जैसे राहुल ने बताया अभी, हमारा तात्पर्य ये है कि हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भिवानी की टीम में भिवानी के लोग खेलें जी। जो जैसे तिगराना की अच्छी टीम होती थी, अपने जाटलू वाली अच्छी टीम होती थी, गौरीपुर की अच्छी टीम, वहाँ से ना टीम खत्म हो चुकी है, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं खेल रहा जी, वो इन्हीं ऐसे लोगों के कारण वो बच्चे नहीं खेल पा रहे जी। तो हमारा सबसे पहला कारण ये काम तो ये होगा कि भिवानी के जो बच्चे हैं वो भिवानी की टीम में खेलें, और अपने बिल्कुल साफ तरीके से उनका चयन होगा। कल भी हमने पहले बच्चों से 100-200 रुपये लेते हैं, हमें सुना है कल बिल्कुल फ्री में किसी से कोई पैसा नहीं ले गया, हमने जो कोच अभी जो हमारे कोच हैं नेपाल जी, इनके मार्गदर्शन में सारा चयन हुआ था, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क ये हमने कार्य किया। उन्होंने एक बात और कही है कि भाई पता चल जाएगा, हमने भी 20 खिलाड़ी भिवानी के सेलेक्ट कर रखे हैं, और आपके 20 दोनों टीमों का मुकाबला करवा दीजिए। तो वो चयन करने वाले पहले बात तो कोई होते नहीं जी, ठीक है, अगर किसी बच्चे को ट्रायल देनी थी तो कल का वो कह रहे हैं ना, हमारे पास भी रजिस्टर ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो। नहीं, वो अब पूरा प्रधान है, पूरा सचिव है, ठीक है, अब आगे कार्य हमें संभालना है, हमें भिवानी को आगे बढ़ाना, भिवानी फुटबॉल को आगे बढ़ाना। तो आप इलेक्टेड मेंबर हैं, इसके दौरान कोई चुनाव हुआ है? चुनाव इसका हुआ जी, ओम जी के नेतृत्व में हमारे ओम जी वोट डले थे। बिल्कुल, कितने लोगों ने वोटिंग करी थी? इसमें वोटिंग का अलग सिस्टम होता है हमारे, अलग से जो एक तो हो गया कि भाई हमारा प्रधान चुना जाता है जी, सिलेक्टेड और इलेक्टेड दो चीजें, एक तो किसी ने आपको सिलेक्ट कर लिया हो या एक किसी ने चुना हो, क्योंकि फेडरेशन की पूरे भारत में जो प्रक्रियाएं हैं वो इलेक्शन के माध्यम से होती है। ये सवाल मैंने उनसे भी किया था कि आप भाई इस प्रक्रिया में, लेकिन जिस समय वो सिलेक्टेड हुए होंगे उस समय वो भी इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे, हमेशा ऐसा ही चलता है। चुनाव बंद है, मतलब फेडरेशन का होता ही नहीं, निर्विरोध रूप से हुआ, कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, निर्विरोध हो गया। और रही उनकी बात, वो तो भाई सब पूरे हो चुके हैं, श्री सूरजपाल अम्मू जी ने हमें एफिलिएशन दिया हमारी सोसाइटी को, हमने उसकी फीस भी अदा कर रखी है, जो कि आज से 2 महीने पहले के हमारे पास पर्ची भी है, लेकिन पर्ची हम उनसे मैंने सर्टिफिकेट नहीं लेना, इसलिए उनको क्यों दिखाएं, पर्ची हमारे पास है, वो मांगेंगे तो किसी जरिए से हम दिखा देंगे। प्रेस को दिखा सकते हैं? हाँ, आपको दिखा देंगे, जरूर आपको दिखा देंगे। अभी इनके नेतृत्व में श्री नेपाल जी हैं, कोच साहब आर्मी से रिटायर हैं, ट्रायल हुई है, आपको ये बताएंगे। नेपाल जी नमस्कार, आप बता रहे हैं कि लंबे समय से जुड़े रहे हैं फुटबॉल से, तो ये बताइए कि ये जो बच्चे सेलेक्ट करे हैं इनके जीतने की उम्मीद कितनी है? देखो जी, ये जो कल बच्चे सेलेक्ट किए हैं जी, ये पूरे भिवानी के बच्चे हैं जी, और जो उन्होंने जो सिलेक्शन कर रखा है वो सिर्फ 3 गांव के हैं जी, प्रेमनगर, भिवानी पुलिस जी, और 1-2 अलगपुरा के जी, बाकी यहाँ पर तमाम सभी गांव के हैं मैक्सिमम जी, एक
किसी गांव का भी ऐसे नहीं होगा जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं वो बात तो ठीक है, अच्छी बात है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना कि क्या पता बालकपुरा है, एक गांव की 8-8 बच्चियां जाती हैं क्योंकि वो खेलते हैं फुटबॉल को समय देते हैं, तो जो अच्छा होगा उसे ही तो चुना जाएगा। या ये सोच लें कि भाई हम हर गाँव से लेंगे बच्चे, ये तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, इनके 8 साल के दौरान हमारे जो 5-6 गांव जो टॉपर गांव है, अगर आपको ही पता होगा जी, हम भी आपके अनूप के चेले हैं जी, जो भूतपूर्व प्लेयर हुआ करते जी, जो वो हम उसके चेले हैं और उन्होंने हमारे को बनाया हुआ है जी, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम काम कर रहे हैं जी। इन्होंने 8 साल में जो ये 10-15 गांव है इनको ख़त्म कर दिया जी, जो इनके पैर छूते हैं जी, इनकी हाजिरी निभाते हैं जी, जो इनकी मैं और कई चीज़ नहीं बताना चाहता जी, वो चीज़ें करते हैं वो उनको सिर्फ उनको ही लेके जाते हैं जी। अभी हमारे बात करते हैं कि भिवानी के भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, ये भविष्य कौन सा होया, हमारी भिवानी के प्लेयर एक सीनियर स्टेट खेलने के लिए 1 साल मेहनत करता है जी, और उसका टारगेट होता है मैं 1 साल में मेरा सीनियर स्टेट है और मैं अभी से प्रैक्टिस करूँगा तो उस जी जब कामयाब होऊंगा, उस दौरान किसी बार के प्लेयर को एक नहीं दो नहीं 10-10, 12-12 प्लेयर दूसरे बार के डिस्ट्रिक्ट के लेके जाए। तो जब उस वक्त आप चैन टीम में नहीं थे तब विरोध नहीं करे आपने? मैं बताऊंगा जी, सारी चीज़ें बताऊंगा। वो भविष्य के बारे में सोचते, भिवानी के भविष्य के बारे में, तो ऐसा नहीं होता। मैं चयन करता, अगर मैं प्रेजेंट होता, मैं जनवरी में आया हूँ यहाँ पे जी, मेरे गाँव की टीम एकदम ख़त्म कर रखी थी जी। अभी जनवरी के दौरान मैं दावा करता हूँ भिवानी पुलिस लाइन के साथ में मैच लगाने के पूरी जी, मतलब कम्पीट करने को चैलेंज करता हूँ। अगर मेरे गांव की टीम से वो जीत जाए भिवानी पुलिस लाइन जी, तो मैं गेम छोड़ दूंगा, खिलाना भी छोड़ दूंगा। नंबर दो जी, नंबर दो, पवन फोगाट जी बोल रहे हैं आग भाई लोगों ने कुछ आता नहीं खेलना जी। भाई जो ऊपर से डायरेक्शनल होते हैं ना जी, वो हर चीज़ नहीं जानते जी, जो उनके कोच होते हैं, उनके सपोर्टी होते हैं, सब अंडर उनके होता है, ये क्या कर सकते हैं, ये साधन और जो चीज़ें होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए हैं जी। बाकी गजानन जी हैं जी, संदीप जी हैं जी, अलग पूरा इन्होंने 9 साल से संभाल रखे है, और वहाँ की बेटियाँ देखो जी, क्या ये एक्चुअल में फुटबॉल प्लेयर नहीं है, हुआ जी, मान लिया नहीं भी है तो ये क्या है ये? नहीं वो बात ठीक है, आपका दावा है उसका भी सम्मान है, लेकिन मुख्य बात ये है कि उनका कहना है कि हमारे पास पीछे पूर्व में अगर कुछ गलत किया है तो उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब जो टीम है, जो 20 खिलाड़ी उनने चुन रखे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं भिवानी जिले के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, जो सीनियर स्टेट के लिए जो हमने तैयार किए हैं। मैं वही बता रहा हूँ जी, उनके जो प्लेयर हैं ना, मैं अकेला जाटू लुहारी की टीम के साथ खिलाने के लिए तैयार हूँ जी, अगर मेरी टीम के साथ हो विन हो जाए। जटुल वारी नहीं, ये तो बात सीनियर स्टेट की है ना, मैं बता रहा हूं जी, उसमें मेरे तो एक ऐसा काम हो जाए कि ये 20 खिलाड़ी, वो उनके 20 खिलाड़ी एक मुकाबला हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इनमें जो अच्छे हैं और उनमें अच्छे हैं उन अच्छे खिलाड़ियों को चुन लिया जाए, ना उन खिलाड़ियों का नुकसान हो ना इन खिलाड़ियों का नुकसान हो, जो बेहतर हो वो आगे जाए। इसका भी मैं जवाब देता हूँ जी, भाई ओम ने, भाई राहुल ने, इन्होंने उनसे बातचीत करी थी जी, भाई कोई बात नहीं, किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो, आपने सिलेक्शन कर लिया जी, आप भी इधर आओ और आज हम ट्रायल ले रहे हैं, इनमें से भी ट्रायल लेंगे और भिवानी की एक अच्छी टीम बनाएंगे जी। लेकिन उन्होंने बच्चों को भी मना किया और खुद भी नहीं आए वो जी। आप लोग को ये भाई राहुल ऑडियो भी बताएगा जी, और उनकी सारी हकीकत भी बताएंगे जी, उन्होंने बच्चे आने नहीं दिए जी। ये अगर ऐसा है तो गलत है भाई, ये फुटबॉल के लिए नुकसानदायक। राहुल भाई ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि भाई राहुल मुंडाल जो है वो तो विधायक बनना चाहता है, और उनने कहा कि भाई मुझे तो राजनीति करनी है और मुझे उसी प्रकार से बच्चों को सिलेक्ट अलग अलग जगहों से करना पड़ेगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है भाई।
राजनीति मैंने करनी है ये बात सच्चाई है, लेकिन खेल में राजनीति नहीं करनी जी। अब वो भी तो शिक्षक है जी, उनसे आप पूछोगे आपने टीचिंग करनी है या नहीं, वो ये थोड़े कह देंगे टीचिंग नहीं करनी केवल फुटबॉल खेलनी है। रणबीर ये जरूरी थोड़े कह देगा कि मैंने देश की सेवा पुलिस में रह के नहीं करनी। राजनीति मेरी अलग बात है, समाज सेवा का एक माध्यम है वो भी, लेकिन फुटबॉल में मैंने ऐसी बात कहीं नहीं कही कि फुटबॉल में भी मैंने राजनीति की है। कहीं कही हो तो वो मेरे मुंह पे आके कहीं, राजनीति एक अलग बात है किस पार्टी का मेरे पास दायित्व हो, लेकिन फुटबॉल में ऐसी कोई हमारे पास बात नहीं है। पीछे भी आपने देखा होगा, आपने कवरेज की थी इसी भिवानी शहर में, आप यहाँ से केवल 500 मीटर दूर आज तक हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा कबड्डी मेला भी हमने करवाने का काम किया, और फुटबॉल को भी हम उससे भी ज़्यादा बड़ा आयोजन और उससे भी ज़्यादा आगे लेके जाने का हमारा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। और रही बात आपने कहा कि टीम का मैच करवा लो जी, अगर भिवानी जिले के इतने अच्छे प्लेयर उनके पास हैं तो पिछले साल एक साल में तो प्लेयर हो गए एकदम 20-30 साल के हुए नहीं, पिछले साल उन्होंने जींद के 9 बच्चे खिलाने का काम क्यों किया, अब कहां से उनके पास 20 बच्चे आ गए, उस समय वो बच्चे